ये जो है ये 10 रुपए का पड़ता है, ये भी 10 रुपए का है, और बाकी वो वाला तो 10 रुपए दर्जन ही चल रहा है, और एक वो है बड़ा वाला दिया वो भी 10 रुपए का है। जो भी जब बर्तन खरीदते हैं जैसे चांदी सोना और आपका फूल पीतल ये सब खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है आज के दिन हमें लगता है। और झाड़ू भी खरीदना उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि लक्ष्मी जी झाड़ू का भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बस यही खरीद रहे हैं, बर्तन वगैरह, फल फूल वगैरह, ऐसे माता का श्रृंगार वगैरह, बस यही खरीद रहे हैं। दोनों दिन बराबर ही हुई है, वैसे आज ज़्यादा मना रहे हैं लोग। आपकी दुकानों में क्या कुछ नया आया है धनतेरस को? नया कुछ नहीं, हमारा 12 महीने की दुकान है और जो 12 महीने बेचते हैं वही हमने मंगा रखा है। जो भी चीज़ खरीदेंगे झाड़ू खरीदो, खरीदने का महत्व है, सोना चांदी पीतल, हमारा धर्म का हमका हमारे बच्चों को पता चलता है कि हमारे आगे पीढ़ी यही चीज करती रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ वैशाली शर्मा। देश भर में कल दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन दीपावली से पहले दो त्यौहार मनाए जाते हैं जो कि है धनतेरस और छोटी दिवाली। कुछ लोगों ने कल धनतेरस का त्यौहार मनाया था लेकिन कुछ लोग आज भी धनतेरस का त्यौहार मना रहे हैं, उसके साथ ही आज छोटी दीपावली का त्यौहार भी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाजार में कितनी भीड़ है, यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं है। लोगों में काफी उत्साह है त्यौहारों को लेकर, हर जगह बाजारों में भी काफी रौनक देखने को मिलेगा। स्वर्गीय लोगों से बात करते हैं और जानेंगे कि लोगों में धनतेरस को लेकर कितना उत्साह है। नमस्कार मैम, आपका नाम? पुष्पा पौड़ियाल। जैसे धनतेरस का दिन है, धनतेरस दिन झाड़ू लेने का काफी महत्व होता है, थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? हाँ, इससे लक्ष्मी जी आती है, कहते हैं वर्ष भर में पैसे की तंगी नहीं रहती है और लक्ष्मी माँ को प्रसन्न के लिए इसे विशेष महत्व होता है इसका। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदें और हो सके तो मंदिर में भी दान करें इसका, यही है धनतेरस की ओर। नमस्कार, आपका नाम? मेरा कमला बेस्ट है। जैसे क्या धनतेरस का त्यौहार है, क्या महत्व होता है धनतेरस का, आप थोड़ा सा बताएंगे? धनतेरस का महत्व लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं अपने घर में सुख शांति के लिए, और यही है सुख वैभव, सारा परिवार इकट्ठा होता है। सबसे बड़ी बात यह है हमारा धर्म का हमका हमारे बच्चों को पता चलता है कि हमारे आगे पीढ़ी यही चीज़ करती रहेगी, यही है महत्व। तो और क्या है, इंजॉय करते हैं। धनतेरस के दिन क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए ये बताइए। धनतेरस के दिन चांदी बर्तन, जिसकी जितनी हैसियत है, सोना चांदी बर्तन और खील बताशी, ये चीज़ खरीदते हैं हम, और लड़ियाँ मालाएँ भगवान के पूजा की सामग्रियाँ, ये चीज़ें खरीदते हैं। पा रहे हैं आप, क्या चीज़ आप लेने की सोच रही हैं इस बार? देखो आज के दिन कितनी बड़ी चीज़ खरीदो कितनी छोटी चीज़ मायने नहीं रखता है, मतलब आज के दिन शुभ माना जाता है। एक मतलब निम्न कलेश का झाड़ू भी खरीदे वो भी उसके लिए बड़ी चीज़ है, आप सोने की चीज़ खरीदो वो भी बड़ी चीज़ है। तो जो भी चीज़ खरीदेंगे झाड़ू खरीदो, खरीदने का महत्व है, सोना चांदी पीतल तो अच्छा है। इस दिन में दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करता है इंसान। आपका नाम? सुभाष अग्रवाल। जैसे कि कुछ लोग आज भी धनतेरस का त्यौहार मना रहे हैं और कल लोगों ने धनतेरस का त्यौहार मनाया था, तो खरीदारी कब हुई, कल ज़्यादा हुई थी या अब आपको लग रहा है कि आज ज़्यादा खरीदारी हो सकती है? दोनों दिन बराबर ही हुई है, वैसे आज ज़्यादा मना रहे हैं लोग। तो आपकी दुकानों में क्या कुछ नया आया है धनतेरस को लेकर? नया कुछ नहीं, हमारा 12 महीने की दुकान है और जो 12 महीने बेचते हैं वही हमने मंगा रखा है। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? भावना संबल। जैसे कि आज धनतेरस का त्यौहार है, कितना उत्साह है धनतेरस के त्यौहार को लेकर? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि क्या महत्व होता है धनतेरस के बारे में, क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए कि थोड़ा सा बताएंगे? बस यही खरीद रहे हैं, बर्तन वगैरह, फल फूल वगैरह, ऐसे माता का श्रृंगार वगैरह, बस यही खरीद रहे हैं। नमस्कार मैम। हाँ हेलो, आपका नाम? मेरा नाम अंजलि सिन्हा है और मैं एक्चुअली मुंबई से आई हूँ हरिद्वार में छठ करने के लिए, और यहाँ पर मेरी फ्रेंड रहती है हेमा करके, तो यहाँ पर आए इनके इसके यहाँ घूमने के लिए, तो हम बोले चलो मार्केट जरा घूम ले, आज तो धनतेरस है, बहुत ही शुभ माना जाता है धनतेरस में। हम लोग बोलते हैं कि आज का दिन जो भी जब बर्तन खरीदते हैं जैसे चांदी सोना और आपका फूल पीतल ये सब खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है आज के दिन हमें लगता है। और झाड़ू भी खरीदना उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि लक्ष्मी जी झाड़ू का भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और सोशल वर्कर होने के कारण हम मतलब मुझे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी मुझे मिला है। जस्ट अभी 19 मार्च को हैदराबाद गवर्नर से हमें नारी सम्मान अवार्ड मिला है, और लास्ट ईयर इंडिया से टॉप 100 में आइकॉन में मैं चुनी गई हूँ। इस तरह से 27 ईयर्स हो गया, और मैं इस बार उत्तरांचल के लिए भी आई हूँ कि सोशल समाज सेवा यहाँ भी करने का मौका मिले, तो मैं यहाँ के लिए भी
कर रही हूँ। नमस्कार भैया। हाँ जी। आपका नाम? अजय कुमार। जैसे कि धनतेरस के साथ ही आज छोटी दिवाली का पर्व भी है, तो आपके दिए की जो ठेला है तो कितनी बिक्री हो रही है? अभी इस बार तो दुकानदारी का माहौल बहुत मद्दा है, ऐसा ज़्यादा नहीं है, फिलहाल सही है जो भी है। हाँ तो से वो तो जो दो दिए होते हैं वो तो पुराने ही रहते हैं, लेकिन नए डिज़ाइंस भी हैं क्या आपके? हाँ नए डिज़ाइंस भी हैं, इस बार नया बहुत कुछ आया है दियो में, वो भी मिट्टी के हैं। तो क्या क्या प्राइस है थोड़ा सा दिखाएंगे आप? ये जो है ये दस रुपये का पड़ता है, ये भी 10 रुपये का है, और बाकी वो वाला तो 10 रुपये दर्जन ही चल रहा है, और एक वो है बड़ा वाला दिया वो भी 10 रुपये का है, और बाकी सब सेम ही है। जैसे कि बाज़ार में इस बार नई तरह की जो लाइट्स वगैरह आ रखी हैं, नई तरह के दिए आ रखे हैं जो इलेक्ट्रिक जो बिजली से चलते हैं, तो क्या उस वजह से कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इन दियों की बिक्री पे? हाँ थोड़ा फ़र्क तो पड़ा है, दिए कुछ ज़्यादा बिके इस बार, और बस इतना ही है। कोरोना के बाद जो है ये दिवाली काफ़ी भव्य तरीके से मनाई जाएगी, क्योंकि पिछले दो जो साल थे थोड़ा सी दिक्कतों में था, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छे से मनाई जाएगी, तो क्या उस कोविड के बाद फ़र्क पड़ा है? हाँ फ़र्क पड़ा है कि इस बार अच्छी दुकानदारी में से कुल मिला के अच्छी हुई है, कोरोना के बाद सही हुआ है। तो देखा आपने कि बाज़ारों में धनतेरस और छोटी दिवाली को लेकर कितनी भीड़ है, लोग यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए लगातार आए हैं, और अभी शाम तक हम देख सकेंगे कि धनतेरस की और ज़्यादा ही यहाँ पे ख़रीदारी हो चुकी होगी। इसके साथ ही आज छोटी दिवाली का त्यौहार भी है, लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, बाज़ारों में काफ़ी भीड़ है और लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। तो ये थी हमारी रिपोर्ट, मैं वैशाली शर्मा अपने सहयोगी समीरा शाह के साथ, जे न्यूज़ हल्द्वानी। धन्यवाद।